हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सजल पुरवे और आप लोग देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल सजल स्टडी जोन, जिस पर आप लोगों को मिलती है प्रत्येक 3 दिन पर स्टडी वीडियो। और इस चैनल पर दोस्तों आपको सभी तरह की वीडियो, सब ऑल सब्जेक्ट की वीडियो ऑल स्टूडेंट्स के लिए आप लोग अवेलेबल है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का वीडियो हो, हिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, मैट्रिक हो, चाहे वो कैसी भी वीडियो, आप लोगों को सब मिक्स इसमें इस चैनल पर मिल जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक से कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी स्टडी वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा बिहारी लाल जी के बारे में, जो कि एक महान कवि थे। अगर आपको सूरदास जी, कबीरदास, तुलसीदास, विद्यापति, इन सब की जीवनी के बारे में जानना है, इन सब की कहानी, संक्षिप्त कहानी के बारे में जानना है, शॉर्ट स्टोरी है जो शॉर्ट स्टोरी के बारे में जानना है, तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पिछला वीडियो जो मैंने आप इन सब चीज़ों पर ही बनाया था, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों मैं बिहारी लाल के बारे में इस वीडियो में बताता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बिहारी लाल रीतिकालीन ब्रज भाषा कवियों में सबसे लोकप्रिय कवि थे, सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते थे। इनका जो जन्म हुआ था 1595 ईस्वी में, मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है वह गांव बसुआ गोविंदपुर, जो ग्वालियर के समीप है। बसुआ गोविंदपुर गांव, जो कि ग्वालियर के समीप है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। इनका वहां जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था और बिहारी लाल को लेकर यह केशव राय जो उनके पिता थे, वह ग्वालियर से ओरछा चले गए थे, वहाँ रहने लगे कुछ दिन। तो वहाँ पर बिहारी लाल की जो की भेंट हुई एक वहाँ के महान पंडित, महान ज्ञानी कवि थे, केशव दास जी। तो दोस्तों यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, केशव राय इनके पिता का नाम था, केशव दास जिनसे इनकी मुलाकात हुई बिहारी लाल जी की ओरछा में, वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे जो ओरछा में मुलाकात हुई केशव दास जी से, महान पंडित थे, तो वहाँ उनसे ओरछा में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई काव्य के बारे में, उपनिषद के बारे में, तो वहाँ पर उन्हें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई। फिर वहाँ से जो है वो लोग बिहारी लाल को लेकर, उनके पिता जो है बिहारी लाल को लेकर वृंदावन चले गए, वहाँ रहने लगे। वृंदावन में बिहारी लाल को की भेंट जो हुई है वहाँ शाहजहाँ से हुई, वहाँ के मुगल बादशाह शाहजहाँ से हुई, ठीक है। तो ये भेंट कैसे हुई, तो ये भेंट जो है नरसिंह दास जी के द्वारा हुई थी। अब नरसिंह दास जी कौन है, नरसिंह दास जी जो है वो कभी ये केशव राय जो उनके पिता थे उनके गुरु थे, केशव राय जो उनके पिता थे उनके गुरु थे नरसिंह दास जी, उन्हीं के द्वारा बिहारी लाल की जो है शाहजहाँ से, मुगल बादशाह शाहजहाँ से उनकी भेंट हुई बिहारी लाल की नरसिंह दास जी से, ठीक है। दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा कहीं, नरसिंह दास जी के द्वारा, ठीक है। नरसिंह दास जी कौन थे, वो थे केशव राय जो उनके पिता थे बिहारी लाल के, उनके गुरु थे नरसिंह दास जी। तो नरसिंह दास जी के द्वारा बिहारी लाल और शाहजहाँ की मुलाकात हुई, भेंट हुई, ठीक है। तो इस भेंट के बाद वहाँ पर शाहजहाँ ने उन्हें मतलब आश्रय दिया, रहने के लिए दिया। फिर उसके बाद बहुत सारे राजा आए, जो भी राजा आए वहाँ, मुगल बादशाह जो भी आए, वहाँ उसके अंतर्गत हुए, वहाँ रहे, आश्रय किए, वहाँ पे रहे, रहने के लिए उसे दिया गया वहाँ महल में। फिर इसके बाद इसकी मृत्यु जो हुई थी दोस्तों, वह 1663 ईस्वी में हुई थी। 1663 ईस्वी में बिहारी लाल की मृत्यु हुई थी। तो रीतिकाल जो होता है हिंदी साहित्य के अनुसार, रीतिकाल को सब इतिहासकार के द्वारा अलग अलग नामों से जाना जाता है। मतलब कोई कहता है इसे अलंकार काल कहता है, कोई कहता है दरबारी युग कहता है इसे, कोई रीतिकाल को कहता है, तो कोई इसे श्रृंगाल काल कहता है। तो सब इतिहासकारों के द्वारा इसका अलग अलग नाम इनके द्वारा रखा गया है रीतिकाल का, ठीक है। तो दोस्तों इन सब के बीच जो होता है एक महान काव्य है जो कि सतसई नाम से है, ठीक है। सतसई आप लोग नाम सुने होंगे सतसई का, तो महान काव्य है जो कि सतसई है, या एक टाइप का ग्रंथ है जो कि बिहारी लाल जी के द्वारा लिखा गया है, बिहारी लाल जी के द्वारा। तो ये जो है एक, ये इतनी मतलब लोकप्रिय है, ये मतलब
सतसई के द्वारा ही जो बिहारी लाल है और भी ज़्यादा लोकप्रिय हुए, लोग प्रसिद्ध हुए और इनकी लोकप्रियता सभी जगह फैलने लगी। सतसई इतना आकर्षक और लोकप्रिय ग्रंथ काव्य था। ये जो है अभी भी जो सतसई को जो ज्ञानी पंडित कवि के द्वारा ही पढ़ा जाता है तो वो अभी भी गौरवान्वित होते हैं और खुद में गौरव महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं कि इतनी महान रचना, इतनी जो लोकप्रिय रचना है, आकर्षक रचना है जो कि सतसई है। और बिहारी लाल जी को गागर में सागर भरने जैसा भी इसे कहा गया है बिहारी लाल जी को, क्योंकि ये अपने दोहे में छोटे से पंक्ति में ही सागर जैसा भाव व्यक्त कर देते थे। यानी कि सागर की इतना गहरा जो भाव होता है वो अपने दो पंक्तियों में ही व्यक्त कर देते थे, तो इसलिए बिहारी लाल जी को गागर में सागर भरने जैसा भी कहा गया है। दोस्तों डॉक्टर द्विवेदी ने कहा है कि गागर में सागर भरने जैसा, मतलब कि हिंदी इतिहासकार में, ठीक है, ऐसे ऐसे जो उदाहरण है वह कम ही होंगे, यानी कि बिरले ही ऐसे उदाहरण होंगे जो बिहारी लाल के द्वारा के जैसा गागर में सागर भरने जैसा क्षमता रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है बहुत ही मतलब डीपली भाव व्यक्त करते थे अपने जो काव्यों में व्यक्त करते थे, और सतसई तो एक सबसे महान ग्रंथ है जिसके कारण ये लोकप्रिय भी हुए। ठीक है, तो इसका जो मतलब विवाह हुआ था वह मथुरा के एक ब्राह्मण परिवार में इनका विवाह हुआ था। इनका इनके बिहारी लाल जी तीन भाई बहन थे, इनके एक और भाई थे और एक और बहन थी। बिहारी लाल जी का जो बचपन में इनका बुद्धि था वो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि था, कहा जाता है ऐसा, बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे बिहारी लाल जी। और इनका जो विवाह हुआ था तो ये अपने ससुराल में ही रहते थे, बिहारी लाल जी अपने ससुराल में ही रहते थे। शुरू शुरू में तो बहुत सारा आदर सम्मान इनसे मिला, फिर उसके बाद जो है निरादर का भाव व्यक्त होने लगा, यानी कि आदर सम्मान जो होता है बहुत दिन ससुराल में रहे तो आदर सम्मान जो होता है वह कम हो गया, तो जिसके कारण ये फिर वहाँ से चले गए, आगरा चले गए, फिर आगरा से जयपुर के राजा जयसिंह के पास चले गए, फिर वहाँ रहने लगे, वहाँ दरबारी कवि बन गए थे, वहाँ के दरबार में कवि जो होते हैं वो थे राजा जयसिंह के तरफ। कहता है कि राजा जयसिंह जो है नवविवाहित मतलब पत्नी के साथ भोग विलास में लिप्त थे, यानी नई नई उनकी शादी हुई होगी वो भोग विलास में वहाँ तभी लिप्त थे, जिनके कारण राज दरबार सब राजकाज जो है सब छोड़ छाड़ किए, या वहाँ के जो राजा थे सब छोड़ छाड़ दिए थे राजा जयसिंह, जिनके कारण जो ये बिहारी लाल जी है वहाँ के सामंतों से मतलब बैठक किए, फिर उसके बाद ये एक पंक्ति के द्वारा उनको बताए, राजा जयसिंह को समझाए, जिसके कारण राजा जयसिंह जो है इतने मुग्ध हो गए उसके दोहे से, उनकी पंक्ति से, बिहारी लाल के पंक्ति से, जो कि अभी भी राजा जयसिंह उनके पंक्तियों से और उनकी पत्नी अनंत कुमारी जो इतनी मतलब मुग्ध हो गई, जिनके कारण फिर ये सब चीज़ छोड़कर, भोग विलास छोड़कर राजकाज पर ध्यान देने लगे और सब चीज़ राजकाज जो है अच्छे से फिर संभालने लगे, और ये इतने प्रभावित हो गए थे ये राजा जयसिंह जो है बिहारी लाल की पंक्तियों से इतने प्रभावित हो गए थे कि ये जो है वहाँ के राज कवि बना दिए गए, यानी कि दरबार कवि थे और राज कवि, और ऊंचा वहाँ का जो पोस्ट पद था वो उसे मिला, और उसे एक कालीग्राम नामक गांव मिला, कालीग्राम नामक उसे गांव दे दिया गया, और उसे वहाँ रहने का तो आश्रय दिया ही गया, और हर दोहे का जो पुरस्कार उसे मिलता था वह एक स्वर्ण मुद्रा देने का राजा जयसिंह ने वचन दिया कि जितने भी दोहे आप कहेंगे उसके बदले एक स्वर्ण मुद्रा आपको दिया जाएगा। फिर उसके बाद राजा जयसिंह के जो पुत्र थे, जो राजकुमार थे वहाँ के राम सिंह, उसका भी जो विद्या ग्रहण था, विद्या ग्रहण इसी ने करवाया, बिहारी लाल जी ने ही राम सिंह का विद्या ग्रहण कराया, उसे विद्या अर्पण किया वहाँ के राजकुमार को। तो इस तरह से उन्होंने वहीं पे, यानी कि राजा जयसिंह के ही आश्रय में रह के उन्होंने सतसई नामक, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया एक महान ग्रंथ है, सतसई नामक काव्य की रचना की राजा जयसिंह के दरबार में ही। फिर इनकी मृत्यु जो है 1663 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों इस प्रकार जो है जो संक्षिप्त कहानी है बिहारी लाल जी की, उनकी जन्म से मृत्यु तक बीच का जो भी उनका सफ़र रहा मैंने आप लोगों को इस वीडियो में संक्षिप्त रूप से बताया, उनकी जीवनी को मैंने बताया। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ऐसी ऐसी हिस्ट्री वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।